सावन के इस पवित्र महीने में अलग अलग शिव मंदिरों से कावड़ यात्राएं निकाली जा रही है और भगवान भोलेनाथ पर पवित्र जल का अभिषेक भी किया जा रहा है। अजमेर के पुलिस लाइन, शास्त्री नगर, जवाहर नगर, लोहा खान सहित अलग अलग स्थानों पर बने शिव मंदिर और समिति की ओर से कावड़ यात्राएं निकाली गई। अजमेर के लोहा खान स्थित राधे कृष्ण मंदिर समिति की ओर से आज पुष्कर से पवित्र जल लेकर आए और इस दौरान उनका जगह जगह स्वागत भी किया गया। अलग अलग मार्गों से लोहा खान सूरजनगर स्थित राधे कृष्ण मंदिर में जलाभिषेक किया गया। सैकड़ों की संख्या में कांवड़िए जल लेकर पहुंचे और उन्होंने भगवान भोलेनाथ की आराधना करते हुए पूजा अर्चना की और पवित्र जल भगवान भोलेनाथ को अर्पण किया। इस प्रकार अजमेर के कई मंदिरों में भगवान भोलेनाथ के भक्त नाचते गाते झूमते नजर आए। उन्होंने पवित्र सरोवर का जल लेकर भोलेनाथ के मंदिर में अर्पण किया। कहाँ से कावड़ लाई जा रही है और कहाँ ये पर जाएगी? जवान नगर नवयुवक मंडल के द्वारा पुष्कर से ये चौथी बार कावड़ लाई जा रही है। कुल 55 जने हैं कावड़ लाने वाले और एक बड़ी कावड़ है। हर साल कावड़ लाते हैं और इस बार विशेष रूप से 10-10, 12-12 साल के बच्चे हैं। एक बार भी कहीं भी नहीं रुके, कावड़ लेके आ रहे हैं, उत्सव उमंग के साथ लेके आ रहे हैं। और जवान नगर महाविष्णु मंदिर पे जाके वहाँ सहजदारा का कार्यक्रम है। वहाँ जलाभिषेक के बाद सहजदारा है और शाम को फिर वो महाआरती है कार्यक्रम। हाँ, लोहा खान नई बस्ती से अपने सूर्य नगर की कावड़ यात्रा पुष्कर से अजमेर आई है। इसी में सभी का सहयोग भी है और मैं चाहता हूँ आने वाले हिंदू धर्म के लिए और प्रयास करें और आगे से आगे बढ़ावे। चार पांच जगह स्वागत हुआ। एक तो वैशाली नगर में हुआ पेट्रोल पंप के पास में, एक ऊपर घाटी पे हुआ और शास्त्री नगर में हुआ और एक यहाँ पर।